हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया था, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम यानी कि SSC CHSL आप लोग का जो है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। SSC की वेबसाइट है, आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर आप लोग का नोटिस चल रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो इसके रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, पूरी जानकारी आप लोग देख सकते हैं कि CHSL SSC CHSL की जो ये वैकेंसी निकली है इसके अंदर क्या एजुकेशन है, क्या मतलब आप लोग की एज वगैरह है, कितने एग्जाम होने हैं, कब से ऑनलाइन अप्लाई ऑफलाइन अप्लाई, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को अप्लाई करने से पहले, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो। आज का जो मेरा वीडियो है SSC CHSL में आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जी हाँ, इसके लिए आप लोग के जो है ऑनलाइन अप्लाई होने हैं और ओनली यदि आप लोग 12th पास हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल आप लोग की एज है, कोई दिक्कत नहीं, SC ST OBC सभी को यहाँ पे बेनिफिट है 3 और 5 साल का। तो पूरी डिटेल आप लोग मेरे उस वीडियो से ले सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसकी जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को जो है वेबसाइट पे आना है, वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे लॉगिन वाला सेक्शन जो है आप लोग का राइट साइड में चल रहा है, यहाँ पे आप लोग को जो है यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यदि आप लोगों ने SSC की वेबसाइट से कभी कोई फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे वो आप लोगों ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा हो या फिर SSC CHSL का फॉर्म भरा हो या फिर आप लोगों ने CGL का फॉर्म भरा हो, कोई भी फॉर्म आप लोगों ने पहले भरा होगा तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन जरूर कराया होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को यहाँ पे लिखना है, इसके बाद एक पासवर्ड आप लोगों ने बनाया होगा वो पासवर्ड आप लोग को यहाँ पे लिखना है, इसके बाद जो ये कैप्चा दिया हुआ है न्यूमरिकल और अल्फाबेट जैसा भी दिया हुआ है, अल्फाबेट में कैपिटल है स्मॉल है जैसा दिया है सेम टू सेम आप लोग को लिखना है, इसके बाद आप लोग लॉग इन करेंगे। लेकिन इसके अलावा ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट यूजर नेम भूल जाते हैं, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन आप लोग नंबर आप लोग पास प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे सिंपल मैं आप लोग को उपाय बताने वाला हूँ। आप लोग जो है अपनी ईमेल आईडी, जी हाँ, एक ईमेल आईडी आप लोगों ने जरूर बनाई होगी, फोन नंबर फोन भी आप लोग के पास जरूर रहा होगा तो उसमें भी आप लोग को मैसेज किया होगा। तो मैं आप लोग को ईमेल आईडी में बताता हूँ। ईमेल आईडी में जैसे ही आप लोग आएंगे तो आप लोग देखेंगे, जैसे ही अपने ईमेल आईडी आप लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लोग को जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे SSC रजिस्ट्रेशन आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। SSC रजिस्ट्रेशन आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे जो भी आप लोगों ने SSC का रजिस्ट्रेशन किया होगा वो आप लोग को जो है यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, आप लोग इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फटाक से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके बाद पासवर्ड लिखेंगे, तो यदि आप लोग पासवर्ड भी भूल गए हैं तो इसके लिए भी आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आप लोग जो है फॉरगेट पासवर्ड पर आएंगे, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मींस आप लोग की जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जिस स्टेट से आप लोगों ने अप्लाई किया, मतलब जिस स्टेट से आप लोग हैं, यहाँ पे आप लोग उसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, इसके बाद आप लोग को ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, इन दोनों में से कोई ना कोई आप लोग के पास एक होना चाहिए, वो आप लोग को डालना है। इसके बाद आप लोग को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है आप लोग को पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पासवर्ड आप लोग को जो है चेंज करना होगा, उसमें आप लोग एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर आप लोग का जो है एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग अपना पासवर्ड बना लेंगे। तो पासवर्ड भी आप लोग का रिकवर हो गया, तो आप लोग यूजर नेम पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के लॉग इन कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा यदि आप लोग न्यू यूजर है, मीन्स आप लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग लॉगिन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप लोग न्यू यूजर हैं तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को थोड़ी जानकारी देता हूं। तो न्यू यूजर वाले नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का जो है आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग का पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, डू यू हैव आधार, क्या आप लोग के पास आधार है, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग नो करते हैं तो आप लोग को ये आधार का नंबर यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप लोग को नहीं भरना। इसके बाद आप लोग को टाइप ऑफ आईडी यानी कि आप लोग के पास जो आधार के अलावा क्या चीज़ है, तो आप लोग वो सेलेक्ट कर लेंगे, पैन कार्ड, एम्प्लॉई आईडी, पासपोर्ट, स्कूल या फिर वोटर आईडी, जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है आईडी नंबर यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, मीन्स मैं यहाँ पे वोटर आईडी सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे वोटर आईडी कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लोग के पास आधार है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद जो है आधार का नंबर होता है वो नंबर आप लोग यहाँ पे डालेंगे, जो नंबर आप लोग ऊपर डालेंगे वही नंबर आप लोग को सेम टू सेम डालना है। जी हाँ, सभी एंट्री आप लोग की दो बार होगी ताकि आप लोगों से किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। जैसे ही आप लोग मिस्टेक करेंगे तो आप लोग को जो ये रेड
रेड में जो है आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पे चला गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एंट्री कर देंगे तो टाइप ऑफ आईडी आप लोग को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर आधार सेलेक्ट कर लिया। आईडी नंबर भी आप लोग को अब देने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग को जो है नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को अपना नाम लिखना है। नाम आप लोग को जो है जो भी आप लोग की हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है, जी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार आप लोग को जो है यहाँ पे नाम लिखना है। नाम के आगे किसी प्रकार का मिस्टर वगैरह आप लोग ये सब चीज़ें नहीं लगाएंगे, सिंपल आप लोग को नाम लिखना है जो भी आप लोग की हाई स्कूल की मार्कशीट में। इसके बाद नाम का जो है आप लोग को दोबारा से एंटर करना है, जो भी नाम आप लोगों ने ऊपर लिखा है, ठीक है, वो नाम आप लोग यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। इसके बाद आप लोग जो है डू यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, कभी नाम आपने चेंज किया है, तो आप लोग यस करेंगे। यस करेंगे तो आप लोग इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग के पास जो इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो जो भी नाम आप लोगों ने चेंज किया होगा वो आप लोग यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। और यदि आप लोग नाम चेंज नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे नो रहने देंगे। ये जो है ये बॉक्स आप लोग को जो है ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि आप लोग को यहाँ पे कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे फादर नेम, जी आप लोग को फादर नेम देना है, फादर की डिटेल देनी है। तो फादर का जो भी नेम है आप लोग पूरा पूरा लिख देंगे। फादर का नेम भी आप लोग जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल में जो सर्टिफिकेट में आप लोगों का जो दर्ज है वही आप लोग लिखेंगे। और नेम के आगे किसी प्रकार का मिस्टर, लेट, प्रोफेसर वगैरह, डॉक्टर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगानी है। आप लोग जो नाम आप लोग ऊपर लिखेंगे वही नाम आप लोग को नीचे लिखना है, सेम टू सेम। इसके बाद मदर नेम, मदर नेम भी आप लोग उसी प्रकार से लिख देंगे, सेम टू सेम, जो भी आप लोग के हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन में हो, ठीक है। मदर के नेम के भी आगे आप लोग किसी भी प्रकार का मिसेज, श्रीमती, लेट, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब चीज़ें नहीं लगाएंगे। मदर का नेम भी आप लोग सेकेंड बार एंट्री करेंगे, ठीक है। सभी एंट्री आप लोग की दो दो बार हो रही है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ यहाँ से, डेट आप लोग के यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ ऊपर सेलेक्ट की है वही आप लोग जो है नीचे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग की दोनों डेट ऑफ बर्थ की एंट्री आप लोग की हो जाएगी। इसके बाद आप लोग को जो है टेंथ की, जी हाँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेंथ के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग क्लास टेंथ का जो आप लोग का रिकॉर्ड है इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। मीन्स आप लोग का कौन सा एजुकेशन बोर्ड है, ठीक है, वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है। किससे आप लोगों ने जो हाई स्कूल करी है, यहाँ पे CBSE से करी है या फिर कोई भी यहाँ पे अदर है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने CBSE से करी है तो मैंने यहाँ पे CBSE सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से आप लोग को जो है इसकी एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे CBSE मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से आप लोग भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आप लोग का रोल नंबर, जो भी आप लोग के हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी रोल नंबर है आप लोग रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। रोल नंबर आप लोग को उसी प्रकार से दोबारा से यहाँ पे एंट्री करनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना। ईयर ऑफ पासिंग मीन्स आप लोगों ने हाई स्कूल कब करी थी वो डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी है। इसके अलावा आप लोग को जो है ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करनी है। सभी एंट्री आप लोग की दो दो बार हो रही है, बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वेरीफाई जेंडर करेंगे आप लोग मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप लोग की जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मीन्स आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर, जो भी आप लोगों ने कर रखी है वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि जो ये रजिस्ट्रेशन है वो एक बारी से एक बार होता है। तो जितने भी फॉर्म आप लोग के ग्रेजुएट लेवल या फिर इंटर लेवल, हाई स्कूल लेवल, आप लोग को कभी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो भी हायर क्वालिफिकेशन आप लोगों ने ले रखी है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग की जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप लोग दे देंगे। मोबाइल नंबर की एंट्री आप लोग को दोबारा करनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, वही लीजिए, वही डालिएगा जो आप लोग को हमेशा चालू रहे। ईमेल आईडी आप लोग को डालनी है, ठीक है। ईमेल आईडी को आप लोग को दोबारा से वेरीफाई करना है, यदि नहीं बनाया तो आप लोग बना लीजिए। इसके बाद जो भी आप लोग का स्टेट, यूटी, जहाँ से भी आप लोग का जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोग को सेव करना है। सेव करने के बाद मैं आप लोग को बता दूँ, इसके बाद आप लोग की जो है यहाँ पे एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप लोगों से मांगा जाएगा, आप लोग के एड्रेस वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें आप लोग फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो है आप लोग जो है फ्रंट वाले पेज पे दोबारा से आ जाएंगे, जहाँ से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना, आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप लोग का जो है ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो कैसे अप्लाई करेंगे इसकी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को आना है, आप लोग का जो भी यूज़र आईडी नेम यूज़र आईडी वो डालेंगे आप लोग, ठीक है। जो भी आप लोग का पासवर्ड है पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आप लोग का कैप्चा है कैप्चा आप लोग सेम टू सेम लिखेंगे। बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, किसी भी प्रकार के आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। इसके बाद आप लोग को लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करते ही आप लोग देखेंगे आप लोग का जो है यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी वैकेंसी है यानी कि इससे पहले जो भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी होगी।
या फिर जो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं जिसके लिए आप लोग एलिजिबल है वो डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे दी जाएगी। तो जैसे कि हमें अभी आप लोग जो है CHSL का अप्लाई करना है 10+2 लेवल, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सभी ऑप्शन आप लोग के दिए हुए हैं। यदि आप लोग पेमेंट बाद में करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे आप लोग को क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग का ये पेज ओपन हो जाएगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे आप लोग की जो डिटेल है यहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है, जो भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल भरी है वो डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे दी जाएगी। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे 15वें नंबर से, जी हाँ 15वें नंबर से आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि बाकी की डिटेल जो है यहाँ पे अपने आप फिल हो चुकी है। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, आप लोग जिस भी रीजन से सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी रीजन से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल रीजन से है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे आगरा सेलेक्ट कर लिया है। तो जिस रीजन से आप लोग अप्लाई करेंगे वहीं पर आप लोग जो 3 सेंटर आप लोग को चूज करने हैं, ठीक है, 3 एरियाज आप लोग को चूज करने हैं। तो 3 मैंने यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, जो भी मेरे रीजन में आते हैं, ठीक है, मैंने 3 सेंटर चूज कर लिए, इसी प्रकार से आप लोग को भी चूज करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोग का 16वां, इसमें मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट आप लोग किस में देना चाहते हैं इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, इंग्लिश या हिंदी में। तो जिसमें आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसी में आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ के ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे किस में आप लोग टाइपिंग देना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग 12th स्टैंडर्ड पास, यदि आप लोग 12th में साइंस है आप लोग के पास और मैथ एक सब्जेक्ट है तो ही आप लोग जो है DEO ऑफिस इन CNAG में आप लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, ये एक पोस्ट है। इसके लिए 12th में आप लोग के पास साइंस होनी चाहिए और मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यदि आप लोग के पास ये है तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। यदि यस है तो आप लोग यस कर देंगे, मीन्स आप लोग इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं जो ये स्पेशल पोस्ट आप लोग को दी गई है। यदि नहीं है, आप लोगों ने कॉमर्स वगैरह आर्ट वगैरह से कर रखी है, तो आप लोग यहाँ पे नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वेदर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यदि यस करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे है आर्म फोर्स की यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज देनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई आप लोगों ने सिविल पोस्ट यहाँ पे धारण कर रखी है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के रूप में, तो यहाँ पे आप लोग को यस एंड नो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप लोग एक सर्विसमैन नहीं है तो आप लोग नो कर देंगे, तो आप लोग को ना ही ये भरना पड़ेगा, ना ये भरना पड़ेगा, ना ये भरना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को इसके बाद जो है नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग जो है कुछ भी नहीं बनना। इसके बाद आप लोग को साइबर प्लासी, तो आप लोग यदि PH कैंडिडेट हैं तो आप लोग को ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। यदि PH कैंडिडेट नहीं है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं भरा है, तो आप लोग के पास ये साइबर प्लासी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग को ये भी नहीं भरना है, बिल्कुल ब्लैंक आप लोग का आएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, जी हाँ एज रिलैक्सेशन 20वां जो पॉइंट है यहाँ पे, तो 20वां पॉइंट आप लोग सभी के लिए है। इसमें एज रिलैक्सेशन यदि आप लोग चाहते हैं तो यस करेंगे, मीन्स यदि आप लोग OBC SC ST या फिर ये इन सब से आते हैं, ठीक है, और यदि आप लोग को एज में रिलैक्सेशन चाहिए, 18 से 27 साल आप लोग की एज मांगी गई है लेकिन आप लोग की एज एक्स्ट्रा है, मीन्स आप लोग को रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप लोग, जैसे मैं OBC से हूँ तो मेरा यहाँ पे OBC का यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मैं OBC सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप लोगों ने SC ST से भरा होगा तो आप लोग का भी ऑप्शन आएगा, जिससे आप लोगों ने भरा होगा PH कैंडिडेट तो आप लोग का PH का ऑप्शन आएगा, आप लोग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप लोग को एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप लोग सीधे सीधे नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोग को 20 ये वाला ऑप्शन नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जी हाँ जो भी आप लोगों ने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप लोग को डिटेल देनी है, यानी कि 12th बेस पे ही आप लोग का एग्जाम है तो आप लोग को यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। 12th आप लोग के पास होनी चाहिए या फिर 12th के इक्विवेलेंट भी कुछ होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, यदि आप लोगों ने वो कर रखा है तो वो भी यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों ने कर रखा है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी आप लोग का स्टेटस है, ठीक है, आप लोगों ने 12th जो है यहाँ पे पासिंग है, अपेयरिंग है, जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पासिंग का मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे जो है 1/1/2021 तक, जी हाँ 1/1/2021 तक जो है आप लोग यहाँ पे पास होने ही चाहिए। तो यदि आप लोग अपियरिंग में हैं तो आप लोग 1/1/2021 तक आप लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पास सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग जिस ईयर में आप लोगों ने पास किया वो ईयर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस भी बोर्ड से स्टेट से आप लोगों ने किया है, ठीक है, वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं,
माध्यमिक शिक्षा परिषद और हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल उत्तर प्रदेश। तो जो भी आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सीबीएसई का ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ मिस्टेक चल रही है, तो आने वाले समय में जरूर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में आप लोग जो है दोबारा से इसमें सर्च करेंगे, ठीक है, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सीबीएसई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद जो भी रोल नंबर है आप लोग जो रोल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो परसेंटेज आई है वो परसेंटेज आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सीजीपीए है तो आप लोग यहाँ पे सीजीपीए डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोग का, क्या आप लोग जो इन्फॉर्मेशन ही आप लोग की आप लोग जो है डीओपीटी से आप लोग साझा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे या नो करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यस और नो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी की डिटेल आप लोग की यहाँ पे नीचे आ जाएगी। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद जो है आप लोग को फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने है। तो फोटोग्राफ के बारे में मैं आप लोग को बता दूँ, 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आप लोग का 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा जो फोटोग्राफ है उस पर आप लोग की जो डेट लिखी होनी चाहिए, जो कि आप लोग की फोटोग्राफ आप लोग का 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई से 3 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, इसी के बीच का आप लोग फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ पे बकायदा आप लोग की जो डेट लिखी हो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चूज फाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आप लोगों ने फोटोग्राफ रखी होगी उसे क्लिक करके आप लोग अपलोड कर देंगे। इसके अलावा जो है इसी प्रकार से आप लोग सिग्नेचर जहाँ रखी होगी वहाँ पे आप लोग सिग्नेचर पे इसी प्रकार से क्लिक करके आप लोग सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद 27वां ऑप्शन है, इसमें आप लोग की जिस डेट की फोटोग्राफ है वो डेट आप लोग को यहाँ पे डालनी है, सेम टू सेम डेट आप लोग यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, तो इन्होंने पूछा है कि 27 यानी कि जो आप लोगों ने फोटोग्राफ अपलोड किया है मींस, ठीक है, वो आप लोग की क्लियर है या नहीं, ठीक है। यस एंड नो, तो क्लियर है तो यस कीजिए, क्लियर नहीं है तो आप लोग नो कर देंगे, ठीक है। जो भी है आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लिख देंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग जो आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप लोग और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को जो ये कैप्चा दिया हुआ सेम टू सेम आप लोग कैप्चा लिख देंगे, स्मॉल कैपिटल जैसा भी दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आप लोग के पूरे पेज का प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है पूरी पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यदि कुछ मॉडिफाई करना है तो आप लोग एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करके आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जो यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोग जो है आप लोगों से बोल रहा है कि आप लोग जो है यहाँ पे जो है दोबारा से चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है आप लोग का एक ऑप्शन और आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे आप लोगों से कह रहा है प्रिंट करने के लिए। तो यदि आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, आप लोग जो है फीमेल हैं और आप लोग SC ST OBC SC ST से हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को कोई फीस नहीं लगनी है तो आप लोग यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि आप लोग को पेमेंट करनी है तो आप लोग को यहाँ पे यस करनी पड़ेगी, और यदि आप लोग पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे नो कर देंगे और दोबारा से लॉगिन करके जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी पेमेंट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे यस पे क्लिक करूंगा, तो आप लोग भी यस पे क्लिक करेंगे यदि आप लोग को पेमेंट करनी है और आप लोग भी पेमेंट करना चाहते हैं। तो इसके बाद आप लोग पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करना चाहते हैं आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन करना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, इसके बाद सबमिट कर दूंगा। यदि आप लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं SBI चालान के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इसके बाद जो आप लोग का ऑप्शन आ जाएगा किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप लोग UPI वगैरह से जैसे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप लोग का यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो अपने प्रिंट फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है A to Z किस प्रकार से आप लोग जो SSC CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले ये कहूंगा यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।